बताइए कितने जानवर लेके आए हैं? जानवर तो माशाल्लाह कम से कम 13-14 खड़े। ठीक है, अच्छा बिलाल साहब यही बताइएगा, ये सामने एक चुलिस्तानी बछड़ा खड़ा हुआ है, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? जी बिलाल साहब, इस ब्लैक वाले बछड़े के बारे में बताइएगा। इस बछड़े के बारे में बताइएगा, काफ़ी छोटी हाइट है, तो ये नस्ल के अतबार से ऐसा है या नहीं? ये छोटी नस्ल है ना, गेड़ी नस्ल होती है, छोटी नस्ल ये बहुत कम पाई जाती है। ये बछड़ा गुलाबी है, इसके लाल कान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उरूज और आप देख रहे हैं एन उरूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं मलीर जोखिया मंडी में आई हुई हूँ, तो आज जोखिया मंडी में देख लेते हैं कि किस तरह के जानवर आए हुए हैं। मंडी का आप ओवरव्यू देख लें कि मंडी में जो है वो आज गहमा गहमी है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए तो अभी भी लेकिन अच्छी तादाद में जो है जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए व्यापारी हजरात के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज जानवरों के क्या रेट चल रहे हैं। सो आइए। सो व्यूअर, इस वक्त मैं एक व्यापारी साहब के पास मौजूद हूँ, तो आइए इनसे पूछते हैं कि कितने जानवर लेके आए हैं और इनके जानवरों की क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा अपना? जुबैर। अच्छा जुबैर साहब, बताइए कितने जानवर लेके आए हैं? जानवर तो माशाल्लाह कम से कम 13-14 खड़े। 13-14 खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, सुबह से आप कितने जानवर लेके आए थे, अभी तक कितने सेल कर चुके हैं? फिलहाल तो 2 बच्चे सेल हुए। ठीक है, बाकी ये खड़े। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइएगा कि ईद के मुकाबले में प्राइस रेंज जो है उनमें क्या डिफरेंस आया है? ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा हुई है प्राइस या कम हुई है? महंगाई के हिसाब से ज़्यादा ही है, खरीदारी महंगी है। ठीक है, अच्छा ये जो सामने हम जानवर देख रहे हैं इसकी प्राइस बताइएगा, क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे? मांगने वाले तो 220 हैं, बाकी जो कोई लेगा फिर उससे करेंगे। फिर भी कोई आइडिया देते हैं कहाँ तक कमी पेशी कर लेंगे? 2 से थोड़े बहुत 19-20 नीचे हो जाएंगे, ज़्यादा से थोड़े बहुत 19-20 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाइएगा हमें। जी जुबैर साहब, इस बछड़े के बारे में बताइएगा। इसके जो है बतामोल मांगने वाले 155 के। 155 के हैं, लास्ट कहाँ तक दे देंगे? लास्ट अगर कोई लेगा तो 35-40 के दरमियान ही है। दांतों में कितने हैं ये? खीरे हैं ये सारे? खीरे हैं। हाँ खीरे, ये इसी साल के 2022 के। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखा दें। जी जुबैर साहब, इस बछड़ी के बारे में बताइएगा। इस बछड़ी के 1.5 मांग रहा हूँ। सही रेट बता दें मुनासिब, वो जब कोई लेने आएगा तभी कर लेंगे। अच्छा ये कटु माल तो नहीं है? नहीं नहीं, ये राखू माल में आता है, देसी माल है सारा। ठीक है ठीक है। बड़ी वाली के 135 मांग। अच्छा ये बछड़ियाँ भी जितनी हम देख रहे हैं ये दो जो है खीरी हैं? खीरी है बच्ची। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखा दें। जी जुबैर साहब, बछड़ी के बारे में बताइएगा। इसके 135 मांग। 135 मांग रहे हैं, कहाँ तक लास्ट फाइनल दे देंगे? हो जाएंगे जब कोई बात करेगा तो, थोड़ी अच्छा। बहुत गुंजाइश है। ठीक है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है। अच्छा ये बताइएगा वजन में कितनी होगी ये? वजन में ये इस वक्त 4 मन खड़ी है। कौन सी नस्ल है? ये साहिवाल है, क्रॉस में। ठीक है, सही। जी जुबैर साहब, को अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिएगा। 0300 2452710। चलें शुक्रिया। सामने ये आपको एक जोड़ी दिख रही होगी, इसकी ये 280 डिमांड कर रहे हैं, 2,80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, तो बेहतर है मुनासिब जोड़ी है, बाकी तो जाहिर सी बात है नेगोशिएबल है, कमी पेशी हो जाती है। सो आइए अब मजीद मंडी का विजिट कर लेते हैं और देखते हैं मजीद जानवरों की क्या प्राइस रेंज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना? तहसीन हुसैन। तहसीन हुसैन साहब, कौन से जानवर लेके आए आज? आज जानवर काफी सारे थे और सेल हो गए हैं, बाकी 3-4 बचे हुए हैं। अच्छा कितने लेके आए थे? तकरीबन 20-22 जानवर थे। अच्छा माशाल्लाह, मतलब अच्छे खासे बेच दिया जाए। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताए कौन सी नस्ल है? ये जिला रही मियार खान की चौलिस्तानी है। चौलिस्तानी है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? कर रहे हैं 140। 140 जी। एक की? जी जी एक की। फाइनल कितने में दे देंगे? फाइनल 130 में। खीरे हैं ये? खीरे, दोनों खीरे। वजन कितना होगा इनका? अभी इसका 4.5 मन है। 4.5 मन गोश्त का या लाइव वेट बता? नहीं नहीं, गोश्त का। गोश्त का, जी जी। ठीक है, अब दूसरा जरा आगे कर दें, दूसरा दिखा दें हमें। जी इसका बताइए, इसका कितना वजन होगा? इसका 3.5 मन से ज्यादा है। 3.5 मन से ज्यादा? जी जी। इसकी भी वही 140 डिमांड कर रहे हैं? इसके कम कर रहे हैं। इसके कितने? 115। फाइनल कहाँ तक देंगे, सही रेट बताएं? 10 में। 110 जी। ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहेंगे? ये फौजी की आदत इधर ही मलीर मंडी, और मोबाइल नंबर 0301295049। चलें शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, इस वक्त मैं एक और व्यापारी साहब के पास मौजूद हूँ, तो इनसे डिटेल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कितने जानवर हैं आपके पास? 3। 3 सुबह से कितने बेच चुके हो? 4-5 तो भेज दिए। 4-5 भेज दिए। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? ये 270 का, ये 45 की, ये 15 की। अच्छा ठीक है, कितने लास्ट फाइनल कितने में दे दोगे? ये वाला है 75 का दे दे। 75 का जी। ठीक है, दांतों में कितना है? खीरा, सब खीरे हैं।
सब खीरे मतलब बकरा ईद तक हो जाएंगे? हाँ, बकरा ईद तक हो जाएंगे। ठीक है, कमी पेशी कहाँ तक करोगे? बस इससे कम पेशी, इससे कमी पेशी नहीं होगी। सो व्यूअर्स, ये भी जो है मलीर चौकिया मंडी में ये माल खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं था तो मैंने कहा चले मैं आपको जस्ट माल दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी बाबा जी, कितने की सेल कर रहे हैं? 55 की। 55 की फाइनल कहाँ तक दे देंगे? फाइनल 45 की देंगे। अच्छा, नस्ल? दांत में पूरी है। पूरी है, हाँ ठीक है। और नस्ल? नस्ल पंजाब की है। थोड़ी बहुत रियायत करें, 55 ज़्यादा है। 45 है फाइनल। 45 फाइनल, हाँ। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नाम बताइएगा? आसिफ। क्या डिमांड कर रहे हैं? इसके 85। फाइनल कितने का देंगे? बस खाली 85 दाम है हम तो। ठीक है, अस्सलाम। नाम बताइएगा? नसीबुल्ला। अच्छा नसीबुल्ला, बताइएगा कौन कौन से जानवर लेके आए हैं? हम चार है, ये दो। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कौन सी नस्ल है? ये साई वाले, दोनों साई वाले। जी हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका 1.10, उसका 1.60। 1.10 और 1.60। जी जी। मतलब जोड़ी जो है वो कितने की दे रहे हैं? 270 की दे रहे हैं। 270 की दे रहे हैं। फाइनल कहाँ तक दे देंगे? फाइनल पता नहीं, ग्राहक आ जाए तो उसको फिर फाइनल पे हम बता देगा। ठीक है। अच्छा ये जो एक सामने है, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 90 डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसके फाइनल कहाँ तक दे देंगे? ये फाइनल 80 तक होगा। 80 तक होगा। कमी पेशी करें, ज्यादा बता रहे हैं। कमी पेशी नहीं। ये ईद के बाद रेट इतने ज्यादा क्यों गए? ईद से पहले तो ये जानवर कम रेंज में मिल रहे थे। महंगाई का दौर है, नहीं मिल रहे जानवर, पीछे भी दाम है। सो व्यूअर, इस वक्त मैं जो है एक और व्यापारी साहब के पास मौजूद हूँ, लेकिन इनका अपना पूरा सेटअप है यहाँ पे, तो आइए अब उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना? बिलाल, मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा अभी इस वक्त आपके पास कितने जानवर मौजूद हैं? माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है, पूरा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तकरीबन 80 एक माल है अपना। 80 एक माल है, ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा, ये सामने एक चुलिस्तानी बछड़ा खड़ा हुआ है, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसके 5 लाख। 5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा वजन कितना होगा इसका? वजन होगा तकरीबन 7 माह। 7 माह। और दांतों में कितना है? दांतों में 2। 2 है दांतों में, ठीक है। अच्छा कमी पेशी कहाँ तक हो जाएगी? भाई कमी पेशी 4.5 लाख रुपये हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है जी। बिलाल साहब, इस ब्लैक वाले बछड़े के बारे में बताइएगा। इसके पास 5.5 लाख रुपये। अच्छा नस्ल कौन सी है ये? नस्ल साई वाले। साई वाले, दांतों में कितना है ये? दांतों में 4। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड है 5.5 लाख रुपये। 5.5 लाख। फाइनल कहाँ तक दे देंगे? फाइनल 5 लाख रुपये। थोड़ी बहुत और कोई कमी पेशी कर लें? 4.5 हो जाएंगे। 4.5 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कितना वजन होगा इसका? वजन है तकरीबन इसमें 7 मन। 7 मन। ये गोश्त का बता रहे हैं या लाइव वेट? गोश्त का। गोश्त का बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये डबल, मतलब अगर इसका 7.5 मन है तो इसका जो लाइव वेट होगा वो तकरीबन 15 मन होगा? 15 मन। ठीक है जी बिलाल साहब, इस बछड़े के बारे में बताइएगा, काफ़ी छोटी हाइट है, तो ये नस्ल के अतबार से ऐसा है या नहीं? ये छोटी नस्ल है ना, गेड़ी नस्ल होती है, छोटी नस्ल, ये बहुत कम पाई जाती है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके 3.5 लाख। 3.5 लाख। फाइनल कहाँ तक दे देंगे? 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये में। अच्छा ये दांतों में कितना है? दांतों में 2। 2 हो चुका है दांतों में, ठीक है। वजन कितना होगा तकरीबन इसका? वजन होगा तकरीबन 3-3.5 मन। ठीक है, ठीक है जी बिलाल साहब, इन बछड़ों के बारे में बताइएगा। ये बछड़े भी 5 लाख रुपए का जोड़ा है, 10 लाख रुपए का जोड़ा है। 10 लाख रुपए का जोड़ा है। अच्छा ये बताएगा कौन सी नस्ल है? ये साई वाले। साई वाले। और दांतों में कितने? दांतों में खीरे हैं। खीरे हैं, ठीक है। 10 लाख में कर रहे हैं डिमांड, फाइनल कितने में दे देंगे? फाइनल 9 लाख रुपए। ठीक है, वजन कितना होगा इनका तकरीबन? वजन होगा दोनों का तकरीबन 7.5-8 मन। 7.5-8 मन, ठीक है जी। बिलाल साहब, इस बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बछड़ा गुलाबी है, इसके लाल कान है,
तकरीबन वजन है इसमें 5.5 मन। 5.5 मन इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसके 3.5 लाख। ठीक है, इसमें भी कमी बेशी हो जाएगी? इसमें 20 एक की हो जाएगी। 20 एक। ठीक है जी। बिलाल साहब, इस बछड़े के बारे में बताइएगा। 44 साल बछड़ा है, इसमें वजन है तकरीबन 7 मन। ठीक है, लेकिन हम मांग रहे हैं 7 लाख रुपए। इसके फाइनल कहाँ तक दे देंगे? फाइनल 6 लाख रुपए हो जाएगा। 6 लाख रुपए का हो जाएगा। दांतों में कितना है? दांतों में खीरा है। खीरा है, ठीक है। मतलब ये जितने भी हम देख रहे हैं, ये बकरी बकरा ईद तक जो है वो हो जाएंगे दो? ये सारे बकरा ईद तक हो जाएंगे दो दांत। चलिए ठीक है जी। बिलाल साहब, बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बछड़ा काला 44 बछड़ा है जी, और इसके हम मांग रहे हैं तकरीबन 9 लाख रुपए। ठीक है, दांतों में खीरा है। 9 लाख तो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कमी पेशी करें। 8 लाख रुपये हो जाएंगे। अच्छा, वजन कितना होगा इसका? वजन है तकरीबन इसमें 9 मन। 9 मन जी। लाइव वेट इसका तकरीबन 18 मन होगा। हाँ, लाइव वेट 18 मन। ठीक है, ठीक है। बारे में बताइएगा। ये 44 बछड़ा है जी, इसका हम मांग रहे हैं 15 लाख रुपये, तो फाइनल हो जाएगा 12 लाख रुपये का। 12 लाख रुपए का हो जाएगा। अच्छा, कितना वजन होगा इसका? वजन है तकरीबन इसमें 12 मन। 12 मन गोश्त का बता रहे हैं आप? गोश्त का। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा दांतों में कितना है? ये दांतों में खीरा है। दांतों में खीरा है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा इनको क्या खुराक दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? खुराक ये चूरी होती है, चूने की दलिया होता है, भूसा होता है, तूड़ा होता है, और दूध दूध पीते हैं गाय का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम सामने एक जोड़ी देख रहे हैं, ये भी बहुत प्यारी है। अब इस जोड़ी के बारे में बताइएगा। जोड़ी के 10 लाख रुपए मांग रहे हैं हम। साहिवाल बछड़ी है। ठीक है, दांतों में खीरी है। वजन होगा तकरीबन 12-13 मन बछड़ा। 12-13 मन एक का बता रहे हैं, गोश्त का या उसका? जोड़े का। दो जोड़े का, गोश्त का। मतलब एक में तकरीबन 6-6.5 मन है। 6-6.5। फाइनल कहाँ तक दे देंगे? फाइनल 9 तक। चलिए ठीक है, शुक्रिया। सो व्यूअर्स, आज जो इन्होंने रेट बताए हैं, पूरी मंडी में जो भी रेट बताए गए हैं, इन रेट्स में और जो है जब आप ख़रीदारी करने आएंगे उन रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि वीडियो वाले रेट बताए जाते हैं वीडियो में, और ये फुल एंड फाइनल रेट नहीं होते कि जो रेट बताए जा रहे हैं उसी रेट पे सेम जो है वो आपको जानवर सेल किया जाए। तो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। हमने जस्ट जो है आपको माल दिखाना हमारा मकसद होता है, और हम वो दिखा रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को मलीर जोखिया मंडी की जो है वो कलेक्शन दिखाई। ये मंडी मलीर में है और इसका नाम जोखिया मंडी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड बेल के आइकन को जो है वो ऑल पे प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।